आप यूपी में रहते थे क्या? हाँ, मैं बहुत पहले यूपी में था। जब मेरा जन्म हुआ था ना, जब मैं पैदा हुआ था, तब मैं पैदा हुआ था यूपी में। तो शहबाज इमरान जी का लाइव क्वेश्चन है क्या आप यूपी में रहते थे? हाँ दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ तेजम, और अब तहसील में जाना है भाई। हेलो दगड़ियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग पहलाग, अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल में मैं बिरूर थवाल, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत हसीन वादियों में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो यार दोस्तों, 2 दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आए हैं, उसके लिए आपसे बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कुछ ज़रूरी काम पड़ गए थे, इसलिए ना ब्लॉग बनाने का टाइम मिला ना कुछ ना कुछ। तो आज से फिर से अपनी ब्लॉगिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ, और सुबह सुबह मॉर्निंग का समय है, और समय हो रखा है 6:30, और अभी मैं आ रखा था थोड़ा सा वार्म अप और जॉगिंग करने के लिए, क्योंकि आपका बीरू भाई बहुत मोटा हो गया है। तो आ रखा था मैं, अभी गिरगांव तक आ रखा था, अब यहाँ से निकलता हूँ घर की ओर, और आज दिन भर जो भी होगा ना भाई, आप लोगों को दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो घर चलता हूँ भागते हुए, ताकि आपका बीरू भाई पतला हो सके। तो यार दोस्तों, एक वो समय था ना जब हम 10-10 15-15 20-20 किलोमीटर भागा करते थे लेन, और आज एक वो समय है जो 1 किलोमीटर दौड़ने में भाई पूरी हालत ख़राब हो गई है। तो भाई अब दौड़ना कंटिन्यू रखना है, ताकि आपका वीरू भाई हमेशा फिट रह सके, और जो भी ट्रैक करेगा ना आपका वीरू भाई बिंदास तरीके से कर पाए। तो आज से आपके वीरू भाई ने अपना फिजिकल फिट रखने के लिए तैयारी भी शुरू कर दिया है भाई। अब आपके वीरू भाई के 6 पैक्स आएंगे, 6 एब आएंगे, ठीक है? तो चलता हूँ घर दौड़ दौड़ के, मजा आ गया। यार दोस्तों, रनिंग से आने के बाद, नाश्ता वगैरह करने के बाद मेरा काम पड़ जाता है बल्दू ढकाने का। तो मैं अभी हकाने जा रहा हूँ बल्दू को, ठीक छू। तो ये बेचारा इकलौता है, और दूसरा तो जोहार से आया ही नहीं, बुग्याल से, मतलब क्योंकि बरसात के टाइम में ना हमारे सारे गाय लगभग बुग्याल जाते हैं, तो ये आ गया था। तो दूसरा बल्दू आया नहीं, तो थोड़े दिनों में उसे भी लेने जाना पड़ेगा, उसके बाद हम खेत की जुताई स्टार्ट कर देंगे। तो इसको फटाफट से डकाता हूँ जंगल। चल बल्दू, शाबाश। तो काफ़ी मस्त बल्दू है, सीधा साधा। तो यार दोस्तों, अभी है दिन का समय, और दिन के बजे है 10:30। तो थोड़ा कुछ काम से मुझे जाना है तेजम। तो अब आपको तेजम तहसील दिखाते हैं, हमारा तहसील, ठीक है? तो आजकल हमारा तहसील मुंशियारी से चेंज होके तेजम हो गया है। तो थोड़ा बहुत काम था तेजम में, तहसील में। तो अभी मैं जा रहा हूँ तहसील की तरफ तेजम भाई। शाबाश बसंती। यार दोस्तों, मैं तेजम क्यों जा रहा हूँ मैं अभी इसके बाद बताऊंगा, जब मेरा तहसील में काम हो जाएगा ना, फिर उसके बाद बताया जाएगा कि मैं आखिर तेजम क्यों जा रहा हूँ। तो अभी मैं पहुँचने वाला हूँ लगभग डोर के आसपास, और यहाँ पे मैया का मंदिर है, और मैया को हाथ जोड़ के चलते हैं आगे को। जय माता रानी। तो भैया अब आगे को बढ़ते हैं। दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं तेजम, और अब तहसील में जाना है भाई। तो यार फाइनली पहुंच चुके हैं तेजम, और तेजम से पहुंचने के बाद अब चलते हैं तहसील की ओर। और तहसील भी भाई पता नहीं कौन से गधेरे में बना रखा है, कोई पता नहीं, और इस पोल ने लगा रखा है छोटा सा बोर्ड तहसील इधर को करके। तो इस गली में हम जाएंगे, जी तो चलो तहसील में चलते हैं और काम करवा लेते हैं। तो भैया यहाँ पे है तहसील, और तहसील की बिल्डिंग।
कार्यालय तहसील तेजम जनपद पिथौरागढ़। तो भैया पहुंच गए अपने तहसील पे फाइनली। तो यार दोस्तों तहसील का काम करने के बाद मैं आ गया हूँ घर, और तहसील में क्यों गया था वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि बीच में जब मैं पिथौरागढ़ गया हुआ था, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, दो दिन मेरे ब्लॉग नहीं आ पाए थे ना, तो ITBP की ओपन भर्ती रैली पिथौरागढ़ में चल रही है। 5 तारीख से 8 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करना है, फिर 8 तारीख के बाद ना भाई 9 तारीख से फिजिकल होना है, और 25 अक्टूबर को ज्वाइनिंग होनी है। तो इसी सिलसिले में मैं पिथौरागढ़ शहर गया हुआ था, और डॉक्यूमेंटेशन तो हो गया है, बस OBC में तहसीलदार साहब के मुहर लगाने थे, तो वो मैं काम कर लिया हूँ, भाई का भी और मेरा अपना भी। तो अब जाना है, फिर 2-4 दिन में पिथौरागढ़ जाना है, तो आगे की कंडीशन जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। और 9 तारीख को मेरी दौड़ है और भाई की भी दौड़ है, और मैं आपको एक बार जो भर्ती चल रही है ना उसके थोड़े बहुत क्लिप और फोटोज़ हैं, मैं वो आपको सबसे पहले वो दिखाता हूँ कि वहाँ भीड़ कितनी थी। पहले ये देखो, आप लोगों ने देख लिया होगा बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा चल रही है। और अभी मैं जा रहा हूँ टिल्लू भाई लोगों के यहाँ श्राद्ध का भात खाने के लिए, क्योंकि आज टिल्लू भाई के घर में चाचा का श्राद्ध था और निमंत्रण भी है। तो सबसे पहले जाता हूँ भात खाने के लिए, भाई बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी है। ये तो यहाँ पर बन रहा है, भात खा रहे हैं सब। कम कम खा लो, हाँ हाँ आ गई भैया, आ गई हूँ, आप खानो भी इतनी मूल्य सी। चलो खाने में ये बने, ये क्या शिकार है? अच्छा उसे दिखो। तो यार भाई भात खाने के बाद अब निकल रहा, जैसे ही घर की तरफ जा रहा था तो बल्दू भैया भी आ गए हमारे, तो इसको भी मस्त घर ले जाता हूँ। मार कह यार जयगाड़ कह रहे हो न, चल तो इसको घर ले जाता हूँ। चल दोस्तों अभी है शाम का समय और शाम के बजे हैं 4, और अभी कल्लू हो गया, मैं हो गया, जा रहे ऊपर मांग के जड़ में, और मम्मी वहाँ गई है घास काटने के लिए, और मैं उस घास को लेने के लिए अभी जा रहा हूँ। चल कल्लू चलें, आजा तो मेरे साथ आ रहा भाई कल्लू। चप्पल खुल गया यार भाई। और भाई ये है हमारा बंदीकरण वाला जंगल, जो कि अब भाई बहुत ही खतरनाक घनघोर हो गया है। पेड़ देखो कितने बड़े बड़े हो गए, ये देखो ये, वाह। तो यार दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं अपने मंगे पे, और मंगे से नज़ारा देखो भाई, काफ़ी मस्त सा लग रहा है, और ईजी हुई ही दी पानी पीने में लग रहा है। डॉक्टर ने कदी मना कर इसी अथवा उसका मजा है, जबरदस्ती जाना हुआ है क्या यार। तो यहाँ ये है, और ऊपर दिदरा काटना अंजाड़ है, वहाँ का नाव ले ऊपर चोटी पे, ये देखो। अरे नहीं दिख रहे हो, और भाई मौसम भाई पूरा बादल बादल सा हो गया है, बारिश कब आने वाली है पता नहीं। और ये देखो भाई बुर्ती फॉल यहाँ से है, और नीचे है ये रामगंगा नदी घाटी, और ये देखो भाई नजारा। तो यार दोस्तों अभी मैं आ रखा हूँ YouTube में लाइव, और ये देखिए भाई मेरे उसमें अभी दिख रहे हैं 22 लोग लाइव देख रहे हैं, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों का, और कल के ब्लॉग में भी मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, और अभी के ब्लॉग में भी मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, लाइव सेशन में भी बहुत बहुत थैंक यू। शहजान इमरान जी, आप UP में रहते थे क्या? हाँ हाँ मैं बहुत पहले UP में था, जब मेरा बर्थडे जन्म हुआ था ना, जब मैं पैदा हुआ था, तब मैं पैदा हुआ था UP में,
तो शहबाज इमरान जी का लाइव क्वेश्चन है कि आप यूपी में रहते थे। हाँ, जब मैं पैदा हुआ था तब मैं यूपी में रहता था, और मैं तब था 3 साल का था तब तक मैं यूपी में रहता था। फिर मैं उत्तराखंड में आ गया 2000 में, 9 नवंबर 2000 में मैं यूपी में आ गया था। ठीक छू, तो ये शहबाज जी का, इमरान जी का क्वेश्चन है। तो ये देखिए भाई, 22 लोग लाइव देख रहे हैं, मज़ा ही आ गया। तो यार दोस्तों, शाम हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं मंगे से घर, और गज्जो मैंने लगा दिया है पीठ। तो इधर तो ये वाला पुल भी, दूसरा वाला पुल भी रखा जाएगा, लग रहा है क्या? जो मारी तो अपना गज्जो का भैर लग चुका है, सज गया है। कजी भाई, यदि भैया ठीक से महफिज बन। तो भैया आप चलते हैं घर की ओर। दही डे पलाशी थे लला बे, चल ठीक सुबह। तो मैं चलता हूँ दही ठीक है। अरे मैं नेज हूँ यार, घास खाटा मुन्नुआ गाड़ा। तो भाई मैंने यहाँ घासी घास डाल दिया ना, हर जगह घासी घास डाल दिया, तो रास्ते का पता ही नहीं चल रहा है। और कल्लू कितना मजा ले रहा है, देखो ये खल्लू खजाने मिल में यार। तो ये देखो और मौसम भाई, ओए जा कितना मस्त हो रखा है चारों तरफ देखो। तो यार दोस्तों, घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई है, और अभी मैं आ रखा हूं अपने खेत पे ये खाद पहुंचाने के लिए। हल्का फुल्का दिख रहा होगा, और गांव का नज़ारा देखो भाई, काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। तो ये है शाम का नज़ारा गांव का, और ये खाद मैं अभी लेके आया हूँ। और नीचे को देखो भाई, क्या मस्त लग रहा है चारों तरफ। आपको पता ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉन बीमार है और मम्मी ज़्यादा वेट उठा नहीं पाती है, इसलिए मैं ये खाद यहाँ पहुँचाता हूँ हमेशा। जैसा कि आप मेरे ब्लॉग में देखते होंगे, जब तक डॉन की तबीयत ख़राब थी तो हम दोनों आते थे, लेकिन जब से उस बेचारे की तबीयत ख़राब है ना, पहले एक तबीयत ठीक थी तो दोनों आते थे, अब तबीयत ख़राब है ना भाई, तो मैं ही आता हूँ लगभग पहुँचाने के लिए। ये देखो नीचे पे, यहाँ पे मैंने रख दिया, अब यहाँ से खसकता हूँ घर की ओर। तो दोस्तों शाम हो चुकी है और लगभग हमने खाना खा लिया है, और डॉन यहाँ पे मस्त करके सोई है, और मम्मी यहाँ पे बैठी है, और हम अभी देख रहे हैं टीवी। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल।